राजस्थान के 5 विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए, इसलिए इन सीटों पर अब चुनाव कराए जाएंगे, जिसके जरिए जनता अपने क्षेत्र के लिए नए विधायक को चुनेगी। ये उपचुनाव इस साल के आखिरी महीने में हो सकते हैं, लेकिन इन्हें लेकर अभी से प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। फिर चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की या फिर भारतीय आदिवासी पार्टी की, सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में बुधवार को राजकुमार रौत ने ट्वीट किया, जिससे प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ना तय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के स्टार नेता को रिकॉर्ड वोटों से हराकर संसद तक पहुंचे राजकुमार रौत ने अपने एक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, 84 विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के आउट ऑफ सिलेबस है। राजस्थान में 5 उपचुनाव वाली विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ने चुनाव जीतने के उद्देश्य से कई घोषणा की, लेकिन एकमात्र 84 विधानसभा का नाम नहीं लिया। अब 84 में बीजेपी के पदाधिकारी किस मुंह से प्रचार करेंगे, भजनलाल ने तो पहले ही हार मान ली है 84 में। आपको बता दें कि जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें नागौर की खींवसर, दौसा, झुंझुनू, 84, देवली और उनियारा सीट शामिल है। लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही राजकुमार रौत ने अपने एक अकाउंट से ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा ने 29 जुलाई को विनियोग और वित्त विधेयक पर अपना जवाब पेश करते हुए 10 अहम घोषणाएं की। इनमें सभी राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना, 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदना, चतुर्थी श्रेणी भर्ती के नियमों में बदलाव करना, जिला स्तर पर नागरीय आयुक्त की नियुक्ति करना, बीकानेर और भरतपुर UIT को प्राधिकरण का दर्जा देना, 1000 करोड़ रुपए से सड़क का निर्माण करना, 10,000 की आबादी वाले गांव में अटल प्रगति पथ सीमेंट सड़कों का निर्माण करना, CET पात्रता परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% और ST/ST 35% करना, पेयजल सुविधा है तो 540 करोड़ से विभिन्न कार्य करना और श्री गंगानगर और कोटा में कैंसर मरीजों के लिए मशीन उपलब्ध कराना शामिल है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।